ततारपुर थाना प्रभारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि टंकी चौक के पास 3 बुलेरो गाड़ियों में गोश्त भरकर ले जाया जा रहा है, जिस पर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर टंकी चौक पर पहुंचकर नाकेबंदी की। इस दौरान लालपुर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें रोकने का उसे प्रयास किया गया, जिसमें बदमाश उतरकर भागने लगे तथा थाना अधिकारी ने पिकअप को जब्त कर 7 गौवंश बरामद किए तथा कुछ ही समय बाद दूसरी व तीसरी पिकअप गाड़ी आई तो नाकेबंदी देखकर भागने लगी। थाना प्रभारी ने मैं जाप्ता करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया, तेज घुमाव होने पर पिकअप गाड़ी पलट गई, जिसमें से 7 गौवंश भरे हुए थे, गौकसी के लिए ले जाया जा रहे थे। गौवंश को गौशाला ततारपुर में भिजवाया गया, जिनमें से 17 गौवंश सुरक्षित हैं तथा 3 गाय मृत पाई गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया तथा पिकअप गाड़ी में अलग अलग 30 लीटर अवैध हाथ से निकली हुई शराब मिली है। कुख्यात गौ तस्कर हासुन अपने साथ मिलकर अलग अलग इलाकों में खुले घूमने वाले गौवंश आदि को सुनसान जंगल में ले जाकर इकट्ठा करता था। उसके बाद मौका पाकर अपने साथियों के साथ मिलकर रात के समय उनको पिकअप गाड़ी में भरकर कच्चे रास्तों से गौकसी के लिए लेकर आता था। इस दौरान यह लोग दिन के समय रेकी करते थे तथा इस कार्रवाई की भनक लगने पर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करते थे। वहीं पुलिस पर फायरिंग करने से भी नहीं चूकते। कल दिनांक 9 नवंबर 2020 को गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने 5 कुख्यात गो तस्करों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 3 पिकअप गाड़ियां भी जो गो तस्करी में काम में ली गई उनको जब्त किया है और 20 गोवंश मुक्त कराए उनके कब्जे से। उनके पास में 30 लीटर अवैध शराब मिली थी जिसको भी जब्त किया है। इसमें पूरे मामले में जो इनका गैंग का मुख्य सरगना है, कुख्यात बदमाश जो गो तस्करी के लिए अलवर और मेवात क्षेत्र में जिसका नाम जाना जाता है साहुन लपाला, जो कि तिजारा थाने का हिस्ट्री शीटर है और हार्डकोर बदमाश है, जिसके खिलाफ पूर्व में करीब गो तस्करी और भैंस चोरी, अवैध हथियार, अवैध शराब सहित संगीन धाराओं में करीब 40 मामले दर्ज हैं, जिनमें कई बार जेल जा चुका है। यह बदमाश इनका मुख्य सरगना है। इसके अलावा इसके अन्य जो साथी हैं वो तौफीक, साहून, मुल्फत और रईस, जो कि मिर्जापुर इलाका थाना किशनगढ़ बास के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है। साथ इसमें कार्रवाई के दौरान 3 जो आरोपी हैं वो भागने में सफल रहे, जिनको तलाश किया जा रहा है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है।